हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सिस आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है, हमारी दिल की धड़कने, हमारा नर्वस होना, सेल्फ डाउट, ठीक है, अच्छी नींद ना आना, रात रात में सो ना पाना, है ना। जब पढ़ते हैं तो दिमाग काम नहीं करता है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा सिलेबस छूट चुका है हमसे, बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ी थी वो याद नहीं आ रही। तो इस तरह की चीज़ें होना एक आम बात है। बस आपको ये 10 दिन आप बड़े क्रूशियल टाइम होता है, इस टाइम में अपने आप को सबसे ज़्यादा संभालना होता है, केयर करनी होती है अपने आप की, नेगेटिव लोगों से दूर होना होता है। और ये सोचना एक आम धारणा है कि नहीं कितना पढ़ा जाए, तैयारी के लिए क्या होती है राइट एफर्ट्स, कि इतनी किताबें पढ़ लेने के बाद मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं है, किसी के पास नहीं है, चाहे अपने आप को चाहे जितना कहता हो। ओके, चीज़ें ये होती हैं कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, जब भी आप चीज़ों को देखते हैं या उन चीज़ों पे बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है, निकल करके सामने आता है कि नहीं, हाँ, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखें, ठीक है, टॉपर्स को देखें, तो वो उनका एक सीधा सा फंडा है कि नहीं, हाँ, इस रेंज पे अगर आपने पढ़ाई कर ली है तो आप सेफ हैं, और इस रेंज पे आपने पढ़ाई नहीं करी है तो आप अनसेफ हैं। अगर 6 से 8 घंटे आपने तैयारी करी है ना, तो आप सेफ जोन में हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लास्ट टाइम पे आपको देखना चाहिए। अगर 30-40 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो 100% मान के चलिए आप एक राइट ट्रैक पे हैं, आपको एग्जाम देना चाहिए। जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है उनके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है ना, क्योंकि चीज़ें आप चाहे जितना नॉर्मली समझाइए या समझिए या किताबें पढ़िए, चाहे जितना डीप मोटिवेशन करिए, सबके पास समस्या एक आती है कि यार पता नहीं क्या होगा, है ना, अंतिम अटेम्प्ट है या एज मेरी समाप्त होने वाली है, मेरे अटेम्प्ट समाप्त होने वाले हैं, है ना। सबके लिए एक आम धारणा होती है कि इस बार क्या किया जाए उससे हल्का हट के कि मेरा एग्ज़ाम हो जाए। हिंदी माध्यम के रिजल्ट में थोड़ा सा और प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि नहीं, सिर्फ 100 किताबें पढ़ लेने से आपका एग्ज़ाम नहीं होता। जिसने 10 किताबें भी पढ़ी है ना, उनका भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, बतरते उन्होंने एक राइट स्ट्रेटजी, एग्ज़ाम भवन में जाने से पहले एक ठीक ठाक उन्होंने प्रैक्टिस करी है और उन चीज़ों को लिया है जो एग्ज़ाम की तरफ से महत्वपूर्ण थे, तो उनकी तैयारी ठीक है ना। जिन लोगों ने 500 किताबें पढ़ी हैं और कोई राइटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, एक भी मॉक नहीं दिया है या प्रैक्टिस नहीं करी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी नहीं देखा, सिर्फ नॉलेज के भरोसे जा रहे हैं, तो 100% मान के चलिए उनका फेल होना तय है। और वो लोग जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है, एक राइट स्ट्रेटजी के साथ उन चीज़ों के बारे में सोच के जा रहे हैं कि नहीं, हाँ, मेरी तैयारी तो ठीक ठाक है और मुझे इस बार थोड़ा सा बेहतर करना है। और देखो होना क्या है, जैसे जीएस फर्स्ट की बात करें, सभी को पता है 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 200 नंबर के होते हैं, और इसमें से जो भी, अगर लास्ट ईयर की मेरिट की बात करें तो 87 गई थी, तो इस बार 90 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, अगर जिसने भी 50 से लेकर के 55 क्वेश्चन सही कर लिए तो 100% मान के चलिए उसका हो गया। यही हाल सी सेट का है। सी सेट जिसको हम GS2 बोलते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का होता है, प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपको 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं, अगर ये 27 क्वेश्चन आपने सही कर लिए तो 100% मान के चलिए आपका हो गया। यहाँ पर 50 से 55 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, है ना। अब दिक्कत ये होती है ना कि जो लोग ये मान के चलते हैं कि नहीं, हाँ यार 50 में क्या होगा, 55 में क्या होगा, तो आपको 50-55 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको 50-55 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको 50-55 क्वेश्चन के आसपास सही करने हैं, और ये सही करने के लिए आपको कम से कम 75 से 80 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे, है ना। 75 से 80 क्वेश्चन नाम मान के चलिए आपको अटेंड करने पड़ेंगे। यहाँ 27 क्वेश्चन सही करने का मतलब है 45 से 55 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको रीजनिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा, आपको मैथ पे भी फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाने पड़ेंगी, और रीडिंग कम्प्रिहेंशन पे अगर उसके भरोसे सिर्फ जा रहे हैं तो ये मान के चलिए आपने कहीं अपने आप को गड्ढे में डाला हुआ, अभी भी टाइम है, अभी संभल जाइए। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें 15 क्वेश्चन लगभग 50-55 में जो आप करने जा रहे हैं उसमें इजी टाइप के मिल जाएंगे। बस आप इनको एकदम प्रिटी श्योर मैं हूँ कि अगर जो इनको गलत करेगा 100% मान के चलिए गर्त में जाएगा, वो फेल होगा। इनको गलत नहीं करना है, जो 15-20 इजी क्वेश्चन कोई भी जो भी पास करता है एग्जाम, इनको गलत नहीं करता है। अगर आपको क्वेश्चन एकदम नहीं आ रहा है, 100% आप मान के चल रहे हैं कि नहीं, हाँ इसको मैंने कभी पढ़ा तक नहीं जीवन में, चाहे कॉमन सेंस लगा लो, चाहे जो भी तरीका लगा लो, इसका आंसर नहीं आ रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा है कि नहीं सही होगा या गलत होगा, 1/4 है कि नहीं, हाँ
तो उस पे रिस्क नहीं लेना है आपको, उन क्वेश्चन पे लेना है जहाँ 50-50 है कि नहीं, हाँ इवन 1/3 भी है कि नहीं, हाँ ये क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं, या ये मैंने पढ़ा है, ये मेरा ऐसा है, तो उन्हीं क्वेश्चन को अटेंड करना है, बाकी उन क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना है जो आपने कोई भी तरीका लगाने के बाद आप राइट आंसर तक नहीं पहुंच रहे हैं। सिंपल सी बात है, मॉडरेट क्वेश्चन के क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट से, हर उसे इजी टफ मॉडरेट, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप कथन कारण वाले, एलिमिनेशन वाले, इन सारी टेक्टिकल अवेयरनेस का फायदा उठाते हुए आपको क्वेश्चन पेपर को डील करना है। आपको घबराना नहीं है, सबसे पहली बात वो कहते हैं ना, आपको घबराना नहीं है, ये बड़ा मुहावरा प्रचलित है, और क्या पता आप अपने आप को बढ़िया सरप्राइज करें, आपका बहुत अच्छा एग्जाम हो, ठीक है, घबरा जाएंगे तो 100% मान के चलिए आपका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं होने वाला। तो चीजों को समझते हुए, उनको बढ़ते हुए, राइट टाइम पे बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ना है आपको, टाइम ले के क्वेश्चन पढ़ना है, और उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है जहां पर आपकी पकड़ अच्छी है, जिन सब्जेक्ट पे आपने बड़ी अच्छी तैयारी करी है, उन चीजों को आपको ज्यादा अच्छी तरह से पकड़ना है, और 100% मान के चलिए ये अगर चीजों पर काम करेंगे तो आपका 100% एग्जाम निकल जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हाँ मेरी तैयारी ठीक थी, मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, मैंने उतना पढ़ा जितना आवश्यक था और मेरा एग्जाम हो गया, तो सही बात है, वो लोग सही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। जो ये कहता है कि नहीं मैं 15-18 घंटे पढ़ रहा था, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है, ना उससे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कहीं नहीं होगा, है ना। आपको एक देखो, एक ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ को जैसे जीना चाहिए वैसे जिएगा, ठीक है, वो रील्स भी देखेगा, यूट्यूब पे भी जाएगा, फेसबुक भी देखेगा, सारी चीज़ें करेगा, और जब सारी चीज़ें करेगा तो कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा सा टाइम को अपने थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को बढ़िया बनाने के लिए, अपने आप को पर्सनल डेवलप करने के लिए, है ना, चीजें सीखने के लिए वो कहीं ना कहीं तो मोटिवेट होगा। आप भी कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, 6 से 8 घंटे आप पढ़ सकते हैं, ये टाइम आपके पास है तो 10 घंटे 12 घंटे आप बढ़ा सकते हैं, अगर आप सर्विस करते हैं तो थोड़ा सा, अगर मिल जाए छुट्टी तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी में आप अपना काम चलाइए, थोड़ा सा प्रोडक्टिव अप्रोच अपनाइए। दूसरी चीज, कम से कम 7 से 8 घंटे आप सोने की कोशिश करें, और जो भी आपकी धड़कनें तेज हो रही हैं, है ना, तो वो सारी चीजें मत सोचो, एग्जाम हो जाएगा, पास हो जाओगे, तो ये चीजें कभी याद भी नहीं आएंगी। इसके पहले का टाइम सोचो, बड़े से बुरा टाइम समय बीत गया होगा और बेहतरी के साथ बीता होगा, ये समय है, ये भी निकल जाएगा। जो भी लोग अच्छी प्रिपरेशन 8-10 महीने 11 महीने से तैयारी कर रहे थे, उन्हें ये एग्जाम देना चाहिए, अटेंड लेना चाहिए, ये मत सोचना कि नहीं मुझे अटेंड नहीं लेना चाहिए, ओके, क्योंकि अगली बार जब आप सोच के जाओगे ना कि नहीं 26 मई 2024 वाला अटेम्प्ट लूंगा, तो वहां पर भी जब आप मई महीने में पहुंचोगे ना, आप 12-15 मई के आसपास आओगे, तो आपको लगेगा कि नहीं यार तैयारी तो अच्छी नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं प्रयास करूंगा, और नेक्स्ट करते करते उसका एंडिंग कभी नहीं है। तो ये मान के चलिए आपको जो भी करना है इसी अटेम्प्ट में करना है, थोड़ा सा फोकस के साथ करना है, अपने आप को कूल थोड़ा सा बनाए, ठीक है, और अगर थोड़ी व्यवस्था कम है तो थोड़ी व्यवस्था को अपनाएं, तो अच्छी नींद लें, ठीक है, अगर पंखा वंखा नहीं है तो थोड़ा उसको मैनेज कर लें, ठीक है, और तैयारी पे थोड़ा सा फोकस बढ़ाएं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें, उस स्ट्रेटेजी तक पहुंचे जहां पर आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सकते हैं। एलिमिनेशन पैटर्न भी काम करता है, 100% काम करता है, अगर कोई कहता है कि नहीं पैटर्न बदला है या चीज़ें बदल गई हैं, तो एलिमिनेशन कम काम करता होगा, लेकिन 15-20 क्वेश्चन पे तो काम करेगा, ठीक है, और 15-20 क्वेश्चन बहुत होते हैं। दूसरी ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है ना, पॉलिटी है, इनसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो आपको 4 साल के कम से कम क्वेश्चन पेपर को देख के ही जाना है, कम से कम 8-10 नंबर जो भी मिलते हैं ये फ्री के नंबर हैं, अगर आपने थोड़ा सा मेहनत करके गए हैं तो आपको ये 8-10 नंबर आराम से फ्री में मिल जाएंगे, तो वो आपको करके जाने हैं, ठीक है, तो घबराएं नहीं और राइट कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, है ना, एक मीडियम लाइफ जीते हुए एक बेहतरी के साथ जाएं। कोई भी कितना, कोई भी मठाधीश हो, कोई भी टीचर हो, कुछ भी कहे, आप उसको ध्यान नहीं देना, आपने तैयारी अच्छी करी है, आपने मेहनत करी है, तो आपको इसका फल मिलेगा, ठीक है, बस राइट एफर्ट्स के साथ राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी कोई चीज़ फंसती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में या यूट्यूब पे, सॉरी, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ, बहुत सारे लिंक हैं, उनको देख सकते हैं ना, उन पे आकर के आप अपनी बात रख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है हम डिस्कस कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम मेरे एफर्ट्स के बाहर होगी मैं किसी टीचर को या किसी अन्य को बता दूंगा, वो आप वहां से डिस्कस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को, यारों को, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन
जिनके पास राइट डायरेक्शन नहीं है उनको चैनल को